अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ रेड बीन्स। मैंने प्याज रख दी है, ब्राउन हो रहा है, ये मेरी फेवरेट है। चावल साथ में वाइट चावल में बनाने लगी हूँ और साथ में रेड बीन्स बनाने लगी हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट डिश। प्याज मैंने काटी है, एक छोटा प्याज भी है मैंने, और उसे मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल में अच्छे से, उसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब मैं इसके अंदर एक अदरक और लहसुन हाफ कप मैंने पीस लिए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड जी करने भैया, लगी हूँ। मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पीस, इसे मैंने चॉप कर लिया हुआ था। और आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ये मैंने फ्राई हो रहा है, जब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अदरक लहसुन की थोड़ी स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए फिर मैं इसके अंदर सारी स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसे मैं ऐड करने लगी स्पाइसेस, तो नमक ले लिया 1 टेबल स्पून नमक है, और ये मसाला गरम मसाला डालती हूँ। ये क्रश रेड चिली है, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1 टेबल स्पून। ये मैं बॉक्स लेके आई थी नया, देखिए अच्छा है ना, मुझे अच्छा लगा, सारे नमक में तो एक साथ आ जाते हैं। इसके ऊपर कवर भी है, ये शीशे का बॉक्स है, इसके अंदर सारे लगे हुए हैं। हाँ जी, अब मैं इसे अच्छे से बनाती हूँ ताकि स्पाइसेस में वो भी पक जाए, इसका मसाले अच्छे से बन जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ टमाटो केचप, थोड़ा सा ऐड करती हूँ पानी भी, और दोनों में ऐड करती हूँ ताकि हम ये मैं टमाटो केचप ऐड करती हूँ और पानी और केचप दोनों ऐड करती हूँ ताकि वो नीचे ना लगे मसाला में, क्योंकि मिर्ची नमक में ऐड की है तो फिर वो मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है। ये पानी भी ऐड कर दें तो मिर्ची ना लगे। अब मैं इसे अच्छे से ब्राउन होने देती हूँ मसाला पक के, फिर मैं इसके अंदर रेड बीन्स ऐड करूँगी। ऐड करने लगी, ये तो फ्रोजन होते हैं रेड बीन्स, पहले बॉयल हुए होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पकाना, मैंने नमक के अंदर ऐड होते हैं, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे उतार लेंगे। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि वो भी बॉयल हो जाए, पक के सालन अच्छे से अच्छा तैयार हो जाए। फिर मैं चावल रखूँगी बॉयल, मैं चावल बॉयल नहीं कर रही, मैं जीरे वाले चावल बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और एक थोड़ा सा जीरा मैं भी पकाती हूँ, आपको अच्छा बनाती हूँ। ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ तो साथ ही इसकी स्मेल जो है ना वो भी सारे सालन में आ गए। मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है, अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ ताकि इसके अंदर सारी कसूरी मेथी की स्मेल और मसाला सब इसके अंदर डूब हो जाए। जी देखें, ये हो गया, पानी भी थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आ गया, साफ उसके कलर आया। अब मैं इसके अंदर ना पानी ऐड करूँगी, अब मैं पानी डाल रही हूँ, जितना मुझे सालन लगा रखा है ना मैं उतना रख देती हूँ। बस मेरे ख्याल से इतना ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा और डाल लेना चाहिए। मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा, हाँ क्योंकि फिर जब पक जाएगा थोड़ा सालन, फिर चावल साथ लेने हैं इसके, तो हमें फिर रख दिए पकने के लिए, बॉयल हो जाए पानी भी, अच्छा से सालन बन जाए, फिर चावल बनाते हैं। देखिए सालन मेरा हो गया रेडी, अब मैं इसे उतार लेती हूँ और फिर चावल रख देती हूँ पकने के लिए।
अच्छा कलर आया था इसे, और इसी तरह मेरा चावल मैंने ऑयल डाल लिया है इसके अंदर, और अब मैं साथ ही इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी और जीरा ऐड कर दूँगी। जीरा जो है ना मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी और नमक भी मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड करूँगी ऑयल के अंदर ही। ये देखो जीरा मैंने डाल दिया, ये जीरे वाले चावल मैं बना रही हूँ और ये नमक मैं डाल रही हूँ। ये नमक मैंने 1.5 नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल फ्राई हो जाए मैंने पानी डाल दिया, बॉयल हो गए मैं चावल ऐड करने लगी हूँ ताकि चावल जल्दी से बन जाए। स्थिति भी बहुत थी खाते हैं, ये तो मेरी फेवरेट डिश है रेड बीन्स और वाइट चावल, हल्के से चावल होते हैं मज़ा आता है खाने का। मैंने चावल डाल दिया, मैं इसे थोड़ी देर के लिए बॉयल होने नहीं देती हूँ, उसके बाद में दम पे रखती हूँ। अब मैं दिल्ली में सैलेड बना लूँ, मैंने दम पे चावल रखती हैं और ये मैं टमाटर काटती हूँ और ये मेरे पास बंद गोभी मैंने लिए, मैंने कटिंग कर ली हुई है टमाटर और ये बंद गोभी है मैंने धो के ना पहली बारी करी। तब मैं इसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी, ये मैंने दही मिला दिए साथ साथ चावल और ये रेड बीन्स और ये साथ सैलेड हों तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, खाली ये सैलेड है, कोई नमक नहीं है, बस ये चावल हो गए मेरे रेडी। अब मैं इसे खाने लगी हूँ, बहुत दिल कर रहा है जल्दी देखें। ये सालन हो गया रेडी, ये मेरे पास है सैलेड सालन चावल दोनों चीज़ें रहती होती हैं, लेकिन जो सैलेड भी रहती है रेड टमाटर। और अब मैं इसे खाने लगी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अब मैं खाती हूँ, मुझे भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफि।